हैप्पी हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन। बहुत दूर अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहाँ जंगल ही जंगल हैं, घने वृक्ष, सुंदर पेड़ पौधे, नदियाँ और झीलें। ऐसे सुंदर देश में एक छोटा सा प्यारा सा गांव था, जहाँ रहता था टोना, आधा आदमी आधा मकड़ा। वहाँ के राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। गांव की सारी जनता राजकुमारी को बहुत चाहती थी। एक दिन टोना मकड़ा अपने जानवर दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। हे टोना, क्या तुम्हें पता है, हमारी सुंदर राजकुमारी बीमार है। वह फिसलकर गिर गई थी, उन्हें चोट लगी है। मैंने भी सुना है कि राजकुमारी के पैर में मोच आ गई है। मैं उसे अस्पताल देखने जाना चाहता हूँ। अरे दोस्तों, क्यों ना किसी दिन जाकर राजकुमारी से मिलकर आएं? सही कहते हैं, और वो दिल की भी बहुत अच्छी है। ऐसी प्यारी राजकुमारी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे दिल की बात कह दी तो फिर कल चलेंगे। ठीक है जी, ठीक, तो सब चलेंगे कल। राजकुमारी को शाही अस्पताल यानी राजा के फैमिली हॉस्पिटल में रखा गया था। पूरी तरह सुरक्षा का प्रबंध भी था, आखिर वहाँ राजकुमारी जो थी। अगले दिन टोना और उसके दोस्त अस्पताल चले गए। वो सभी अंदर जाकर राजकुमारी से मिले। राजकुमारी जी, हम सब आपके जल्दी स्वस्थ हो जाने की कामना करते हैं। उम्मीद है आप जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हम कल फिर आपको देखने आइएगा। नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ क्यों नहीं, तुम सबको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। परंतु ये मकड़ा क्यों चुप है, कोई परेशानी है? क्या बात है टोना मकड़े? राजकुमारी की खूबसूरती देखकर टोना ख्यालों में खो गया। अरे नहीं राजकुमारी, आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। वो सोच रहा था कि परियों जैसी सुंदर राजकुमारी अगर उसकी दोस्त बन जाए तो लाइफ बन जाए। टोना ने देखा कि अस्पताल में लगभग सभी बेड पर मरीज थे, सिर्फ एक बेड खाली था, वो भी राजकुमारी के बिल्कुल साथ वाला। टोना का दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा था। सुंदर राजकुमारी उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। टोना मकड़े ने फौरन एक स्कीम बनाई। वह डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। डॉक्टर, हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे एक घुटने में सूजन है, बहुत दर्द है। ना भाई, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई ना दे रहा सर। है मकड़े, घनी मस्ती आ रही सके। खूब पछाड़ा हूँ मैं तेरे जैसे ड्रामेबाज छोरे ने, कुछ ना हुआ तने। चाली भी यहाँ से, घर जाके 3 दिन लेटा रही है, हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत ना। बावड़ी पूछ। डॉक्टर, बहुत दुख रहा है। रे सुन बावले, डॉक्टर तू नहीं, MBBS मन कर रखी है। हॉस्पिटल में कौन रहेगा कौन नहीं ये मन डिसाइड करना है, चाल यहाँ से। टोना के सिर पर तो एक ही धुन सवार थी कि वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी के पास रहकर उसे अपने दिल की बात बता सके। अगर एक बार राजकुमारी अस्पताल से चली गई, फिर राजमहल में जाकर उससे मिलना तो असंभव ही होगा। अस्पताल जा सकने के लिए उसे गंभीर रूप से बीमार होना जरूरी था। वह क्या करे क्या करे, वह यही सोच रहा था। क्या करूं क्या करूं, कुल्हाड़ी से शरीर पर चोट लगाई जाए, जहर पिया जाए, क्या करूं? आइडिया। तभी टोना को एक आइडिया आया कि क्यों ना डंडा मारकर टांग तोड़ ली जाए। उसने एक डंडा उठाया और जोर से अपनी टांग पर दे मारा। हाय, ओ हाय, बहुत दर्द है। अब टोना की टांग सचमुच टूट चुकी थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने जोश में आकर टांग तोड़ तो ली थी, पर अब वह पछता रहा था। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, अब अस्पताल चलना चाहिए। अब तो सचमुच अस्पताल जाना ही पड़ना था। वह एक लकड़ी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से अस्पताल के लिए चल पड़ा।
हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को कहा बहुत दर्द हो रहा है, अभी अभी टूट गई है। अब डॉक्टर को मामला गंभीर लगा। डॉक्टर ने चेक किया। ले भाई, इब टूट गई असल में तेरी टांग, इब कर लूं तने दाखल। पर एक बात तने बता दूं, यो हॉस्पिटल बहुत चोखा सा है, घना महंगा सा है, खर्चे ना सह सकेगा तो एक दिन में बैंड बज जाएगी, फ्री में कुछ ना मिले, यहाँ हर चीज का पीसा सा पीसा। जी बिल्कुल दे दूंगा, जान है तो जहान है। और देख भाई, एक को बेड सा है, वो भी राजकुमारी के पास वाला, वहीं पड़ जाएगा तू, और किस्मत खुल गई यो सोच ले। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। हे टोना मकड़े, तुम मुझे मिलने आए हो? अरे पर तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? तुम्हें क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? अरे राजकुमारी, मैं बेड पे सोया हुआ था, किसी के ख्यालों में खोया हुआ था, तभी धड़ाम से बेड से नीचे आ गिरा और मेरी टांग टूट गई। कौन है जो तुम्हारे सपनों में आया? क्या किसी ने तुम्हारा दिल चुराया? सही पकड़े हैं राजकुमारी। बड़े रोमांटिक हो। वो कौन है जो तुम्हारे सपनों में आती है और तुम्हारा दिल चुरा ले जाती है? राजकुमारी जी, अब आपको कैसे बताऊं उस हसीन मलिका के बारे में? बताने में हर्ज ही क्या है? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मेरी शादी किससे होने वाली है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी फिक्स कर दी है इसी अस्पताल के उस डॉक्टर के साथ? और जानते हो वो डॉक्टर कौन है? वही जिसने तुम्हें यहाँ दाखिल किया है। है? क्या तुम्हारी सगाई हो गई है उस खड़ूस डॉक्टर के साथ? अरे वो तो महाबोर है, तुम्हारी जिंदगी अस्पताल बन जाएगी। मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी रोमांटिक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ रहना बोरियत भरा है। परंतु मेरे पिताजी सोचते हैं कि वो बड़ा प्रैक्टिकल है और वो मेरी अच्छी देखभाल करेगा। प्रैक्टिकल? अरे खड़ूस गधा है वो। असलियत में तुम क्या चाहती हो? कोई ऐसा, जैसे कोई जो मेरे लिए गाए, मेरे संग नाचे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, हमेशा खुश रखे। बड़ी बात यह है कि मुझे प्यार करे, और खड़ूस तो बिल्कुल ना हो। हाँ यही तो मैं भी चाहता हूँ। तुम बिल्कुल मेरी पसंद जैसे हो, और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, क्यों ठीक है ना? हाँ, परंतु अब तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम सच में डॉक्टर से शादी करोगी? हाँ, और मेरे पास चारा भी क्या है। काश मेरे पास भी कोई और बेहतर विकल्प होता जिस पर मैं भरोसा कर सकती, जो मेरे सपनों का राजकुमार होता। अगर किसी दिन तुम्हें दिल से प्यार करने वाला मिल जाए, और जो तुम्हारे प्यार में पागल भी हो, जो तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाए, क्या तुम उससे शादी कर लोगी? हाँ, यदि वो मुझे अपने घर में सपनों की गाड़ी पर ले जाने को तैयार हो। चलो छोड़ो टोना, मैंने अपने बारे में तुम्हें बता दिया है, अब हम मित्र हैं, तुम अपने प्यार के बारे में बताओ। हाँ, ना हाँ, क्यों नहीं, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? उसे देखूं? यहाँ पर कैसे? अभी बुलाता हूँ, जरा आंखें बंद करो। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली तो टोना ने एक आईना उठाया और राजकुमारी के हाथों में थमा दिया और बोला, हे सुंदरी, अब अपनी आंखें खोलो और देखो। यह क्या है, एक आईना? प्रेयसी कहाँ है तुम्हारी टोना? वो यही तो है टोना, वो मुझे नहीं दिख रही। वो यही है, ध्यान से देखो। इसमें तो बस मैं हूँ और कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। तुम ही हो वो जिसे मैं प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं अस्पताल में दाखिल हुआ हूँ, जानबूझकर अपनी टांग तोड़ी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, रात दिन तुम्हारे ही सपने देखता हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं नहीं रह सकता, मुझे अपना लो प्लीज। ओह कितने रोमांटिक हो, तुम ही मेरे मिस्टर राइट हो, मेरे सपनों के प्यार, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। तब राजकुमारी डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। राजकुमारी ने जैसे ही डॉक्टर को सब सच बताया तो डॉक्टर गुस्से से पागल हो उठा। अरे यू क्या हो गया, कहानी उल्ट गई। रैसण राजकुमारी, आज के बाद ना तो नाचेगी ना कूदेगी, सिर्फ बेड पे पड़ेगी आराम से, हिलने की कोई जरूरत ना।
इब यू सोच ले, जो मेरे से ना होएगा ब्याह तो यो ही तेरी जिंदगी से बेड बेड बेड। देखो तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, हमेशा अपनी धौंस जमाते हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं अब टोना से प्यार करती हूँ, तुम मेरे जैसे नहीं हो। ओके बाय। वह कमरे से जब निकला तो उसके कानों से धुआं निकल रहा था, पर टोना और राजकुमारी को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं थी और उन दोनों ने अस्पताल में ही शादी कर ली। परमात्मा को हाजिर नाजर मानकर मैं टोना तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं इस देश की राजकुमारी तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ, मेरे प्रिय टोना। राजकुमारी तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्रिय टोना तुम स्वस्थ नहीं हो। नहीं अब ठीक हूँ मैं। तो क्या तुम्हारी बीमारी झूठी थी? मैंने अपनी टांग खुद तोड़ी थी, तुम्हें मिलने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था और मुझे तुमसे मिलना ही था। ओ प्रिय तुम बहुत रोमांटिक हो, मैं लकी हूँ जो मुझे तुम मिले टोना। जब वे दोनों बाहर निकले वहाँ एक सोने की सुंदर सी पालकी उनके लिए हाजिर थी और लगभग 60 बंदर पालकी को उठाने को तैयार थे। उम्मीद है तुम्हें ये सब अच्छा लगा होगा। तुम तो मुझे सपनों की दुनिया में ले आए, क्या ये हकीकत है टोना? हाँ ये हकीकत है, देखो डॉक्टर इधर ही आ रहा है, गुस्से से भरा हुआ है। हाँ चलो यहाँ से निकलें। हाँ हाँ चलो, डॉक्टर को तो बंदर सेना संभाल लेगी। रह राजकुमारी, ये जो पीटी ऊंचा बन रही है यो प्लान तेरा कामयाब ना होने देता, और मकड़े तेरी तो दूसरी टांग भी तोड़ू मैं। सिक्योरिटी तोड़ो रे टांगा इनकी। लेकिन तभी बंदरों ने उस पर हमला कर दिया, बंदरों ने डॉक्टर को नीचे पटक दिया। अरे क्या कर रही है सर? अरे ये कौन मार रही है सर मुझे? अरे डॉक्टर छोड़ो, अरे छोड़ो बंदरों, अरे बदमाश बंदरों छोड़ो मुझे, अरे मेरी खोपड़ी बचा के रहो, अरे 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 सिक्योरिटी मारो उसके, मारो मारो। डॉक्टर तब और ज्यादा गुस्से में आ गया और बंदरों को डंडे से मारने दौड़ा। रे रे डॉक्टर से पंगा, रे बावली पूछ, छोड़ूंगा नहीं तन्ने, इबके ऐसा लट मारूंगा कि चित कर दूंगा तुम्हें, आओ आओ रे बंदरों। और डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को पुकारा और उन्हें बंदरों और टोना को पकड़ने और मारने के लिए कहा। बंदर डर से कांपने लगे। अरे इब कहाँ भाग रहे है सैटर पोको, जैसा हाल थारी बांदर सेना का करिया वही हाल थारा भी करूंगो। रे सिक्योरिटी वालों तुम लोग इसकी बरात में आया के? ओए लठ मार के तोड़ दो इसकी टांगा। ला पई हम राजा जी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई डॉक्टर के नौकर, और फिर किसी को मारना जुर्म है, हम इन्हें गिरफ्तार तो कर सकते हैं पर मार नहीं सकते। हाँ ये तो है साहब, डॉक्टर तो क्या, हम सिक्योरिटी गार्ड भी किसी को मार नहीं सकते। अहो जी हमें अपराधी को जिंदा पकड़ना चाहिए। अरे कैप्टन साहब आपने देखा डॉक्टर साहब ने कई बंदरों को मार दिया। ठीक कहते हो भाई तुम, मैंने भी देखा है, हमें अपराधी को पकड़ना चाहिए। तो साहब आपकी नजर में यहाँ अपराधी कौन है? ओ भाई इन हालात में तो अपराधी डॉक्टर ही है, उसने बंदरों को मारा है, कानून हाथ में लिया है, आओ उसे पकड़े। डॉक्टर को कारावास में डाल दिया गया क्योंकि उसने बंदरों को मारा था। आखिर जानवरों को सताना या मारना एक गंभीर अपराध है। टोना और राजकुमारी सुरक्षित घर पहुंच गए। उसके बाद टोना और राजकुमारी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।